अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह के रहम से हम लोग भी ठीक हैं। यहाँ का व्लॉग शुरू कर आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने कपड़े इसलिए किए, बच्चों के जुमे का दिन था, मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़े इसलिए कर लूँ और अपने हस्बैंड के कपड़े इसलिए कर लिए। मैंने अहमद का सूट प्रेस किया था साथ में, मैंने अपने बड़े बेटे का सूट प्रेस करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड का सूट प्रेस किया और उसके बाद मैंने किया था अपने छोटे बेटे का सूट प्रेस। मैंने कहा चलो अहमद तो जाएगा ना अपने बाबा के साथ जुमा पढ़ने के लिए, बच्चों को अभी से मस्जिद में भेजा जाए ना, छोटे छोटे बच्चों को तो उनमें फिर ये शौक पैदा होता है नमाज़ पढ़ने का और उनको दीन इस्लाम का पता चलता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो उनकी तैयारी करवा लूँ बच्चों की और चलो अहमद तो जाएगा अपने बाबा के साथ जुमा पढ़ने के लिए। ये मैं छोटे का सूट प्रेस कर रही थी और बच्चों की मैंने मालिश कर ली थी पहले से ही और वो खेल रहे थे। मैंने कहा चलो फटाफट कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ और फिर बच्चों को नहलाऊँगी बाद में। मैंने अपने हस्बैंड का सूट प्रेस किया, ये इस्त्री ज़्यादा गर्म होने की वजह से थोड़ा सा चिपक गया था लेकिन जला नहीं था, जलने से बच गया था। ये नहीं मेरे हस्बैंड का सूट, ये मेरे बड़े बेटे का सूट और साथ में है मेरे छोटे बेटे का सूट आहद का, अहमद आहद और मेरे हस्बैंड का सूट है। बच्चे खेल रहे थे क्योंकि उनका मसाज वगैरह मैंने कर दिया था और वो खेल रहे थे। मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस करने के बाद आप लोगों को नहलाऊंगी बच्चों को और बाद में खाना वगैरह मैंने कहा बना लूँगी। इसके बाद मैंने सफाई करना शुरू कर दी, मैंने रूम की पहले सफाई की, सारे घर की रूम की सफाई करने के बाद टीवी लाउंज की सफाई कर ली थी और बाद में किचन में गई थी, किचन की सफाई कर दी। घर के काम भी तो इतने होते हैं ना, बस परदेश में ये होता है बस सुबह उठो घर का काम करो नाश्ता बनाओ बच्चों को रेडी करो बस सफाई वगैरह कर, फिर दोपहर का खाना खा लो, सारा दिन सुबह से लेकर बस बुरी बात रख दो जाता है, बहुत कम ही पाए जाना होता है, बहुत कम ही यानी कि उसको बोलने 15-20 दिन बस कभी एक महीने बाद किसी घर चले जाते चले गए, अदरवाइज बस घर में ही रहना होता है। अक्सर मुझे तो ये होता है कि अक्सर तो मुझे डेट का भी नहीं पता चलता कि आज डेट क्या है, मोबाइल से पता चल जाता, मोबाइल से देखने में ना पता चल जाता है। उसके बाद मैंने सफाई करने के बाद मैंने किचन में गई और किचन में मैंने नया चिकन और मटर का सारे सबसे पहले मैंने ये लहसुन फ्राई कर लिया था, हल्का सा ब्राउन कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट छींटे पड़ जाएंगे आपके ऊपर, इसमें चिकन ऐड किया था और साथ में ग्रीन ऑनियन भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा, बहुत मज़े का बनता है। किधर जा रहे हो, सोने जा रहे हो? भैया को नहीं छेड़ना, मार पड़ेगी वरना। और इससे डाल के मैंने अच्छे से ना फ्राई किया था पिस्ता और बाद में मसाले वगैरह टमाटर वगैरह डालने के बाद इसमें मसाले वगैरह मैंने ऐड कर दिए थे क्योंकि अहमद को बहुत भूख लग रही थी और मैंने कहा उसको नींद भी आ रही थी भूख भी लग रही थी, मैंने कहा चलो जल्दी से सालन बना के ना, वैसे रोटियाँ तो मैंने होटल से मंगवाई थी वो थोड़ी ले खाने की, मैंने कहा जल्दी से उसे घर में सालन बना दी, रोटी घर में बना कर देती हूँ तवे पर रोटी बना देती फिर खा के अहमद तो सो जाएगा ना, मान में पता नहीं सब रोटियाँ लेके आए मेरा हस्बैंड सब में, इस वजह से फटाफट सालन तैयार करें। यहाँ की मुर्गी तैयार करने में भी इतना टाइम नहीं लगता, 15 मिनट में सालन तैयार हो जाता है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में है ना मुर्गी बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन मजे की नहीं होती है ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ ही बहुत मजबूत है। जब मैं अहमद के पास अहमद
नीचे क्या कर रहे हो लेट के? कितनी बुरी बात है, गंदा बच्चा है तू। ओ अहमद को नींद आ रही थी, मेरे बगैर सोता नहीं है ना, साथ में लेटूं तो सब सोता है, इसी वजह से वो भाई जमीन पे नीचे देख गए तो मम्मा आएगी बच्चे के कपड़े पहनते, तो मैंने फिर फटाफट सालन बना दी मेरे को, बच्चे को नींद आ गई मेरे बेटे को, मैंने सालन रेडी करके उसके उसे खाना खिलाया और बाद में उसने बोला मम्मा मुझे एसी ऑन करके दो, मैं एसी चला के सो, चलो ठीक है मैं एसी ऑन कर दे, मैंने एसी ऑन किया और अभी मेरा छोटा बेटा सो रहा है और अभी बड़े बेटे को खिला दिया और अभी मेरा बड़ा बेटा सोने की तैयारी करने लगा। एसी चल गया है ना अभी, वो ऐसे ही लटक गया बैठ के, यानी कि पाँव यहाँ पे सोते हैं ऊपर बेड के ऊपर, इतनी नींद आ रही थी ना, वो कहता बस इधर ही सो बेड के ऊपर,